राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ जिस मंदिर की परिक्रमा करने पर मिलता है गोवर्धन की परिक्रमा का फल। मैं उस मंदिर की चार परिक्रमा करने वाली हूँ और मेरे साथ साथ आप भी मानसिक परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल उतारने हैं और यहाँ से आपको मंदिर के अंदर चले जाना है। आप चाहो तो मंदिर में संध्या वंदन अर्थात दीप दान भी कर सकते हो। दीप दान का अपना एक विशेष और विशेष महत्व होता है और मंदिर में बज रहे थे, भगवान का श्रवण गुणगान हो रहा था, तो मैंने मत्था टेका और स्टार्ट कर दी। ऐ परिक्रमा जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाऊंगी ताकि यहाँ से आपको मैं रोक देती हूँ वीडियो को। यहाँ पे आपको अपना मत्था टेकना है और फिर परिक्रमा स्टार्ट करनी है और इस मंदिर की चार परिक्रमा करनी है। सबसे पहले मत्था जरूर टेकना है। कहते हैं कि एक बार मेरे को बड़ा किसी ने सुंदर जवाब दिया था जब मैं प्रथम बार बिहारी जी आई थी। मैंने कहा मत्था क्यों टेका जाता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे मोहर उल्टी होती है लेकिन लगाने पे सीधी होती है, इसीलिए सीधी हो जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान के मंदिर में मत्था टेकते हैं तो जो हमारे मस्तिष्क की दुर्भाग्य की लकीर होती है वो सौभाग्य में बदल जाती है और जो सौभाग्य की लकीर होती है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। देखिए कितनी अच्छी मैंने बात बताई ना। और ऐसी बात बताते बताते हमारी एक परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। ये राधा दामोदर का मंदिर है। अभी मैं आपको इसकी कथा भी बताऊँगी, इसकी स्टोरी भी बताऊँगी, लेकिन मेरे साथ मानसिक परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और राधे राधे तो लिखना भी मत भूलिएगा कमेंट में, और राधे राधे का जाप, मानसिक जाप करना भी बिल्कुल मत भूलिए। भगवान जी के एक परम भक्त थे। उनका एक नियम था कि वो जब तक गोवर्धन की परिक्रमा ना कर ले महाराज, वो अन्न का एक दाना भी नहीं तोड़ते थे। रोज सुबह वृंदावन से गोवर्धन जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, परिक्रमा करने के तत्पश्चात श्री धाम वृंदावन वापस आते थे और उसके बाद अन्न जल ग्रहण करते थे। लेकिन अब उनकी जो अवस्था थी वो जर्जर होती जा रही थी, अर्थात उनकी आयु जो है अब उनका साथ नहीं दे रही थी। एक बार की बात है कि वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और अचानक से गिर जाते हैं। जब वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे होते हैं, अचानक से गिर जाते हैं, तो एक बालक आता है और बोलता है, अरे बाबा अब तू बूढ़ा हो गया हो, अब तुझसे ये परिक्रमा नहीं होगी, काय को झंझट में लगा है, जाके भगवान के नाम का सिमरन कर, परिक्रमा मत कर। और वैसे भी भगवान प्रेम से रिझे, भगवान भाव से रिझे, परिश्रम से नहीं। भक्त ने बिल्कुल भी बालक की बात नहीं मानी और वो अपनी परिक्रमा करने लग गए। लेकिन उस बालक का चेहरा इतना अद्भुत था, इतना सुंदर था कि भक्त को बार बार याद आ रही थी कि वो बालक कितना सुंदर था। मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार उस बालक को दोबारा तलाश करता हूँ। जब उन्होंने उस बालक को चारों तरफ से देखा ना, तो कहीं भी वो बालक दिखाई नहीं दिया। अब तो वो भक्त बड़ा ही परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या चल रहा है। दोबारा एक दिन गोवर्धन पर्वत पे जाते हैं और जब दोबारा गोवर्धन पर्वत पे जाते हैं तो वो बालक दोबारा मिल जाता है और यही कहता है कि भगवान भाव से रिझें, भगवान प्रेम से रिझें, परिश्रम से नहीं। बाबा अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तुझे परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता। सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन बालक था जो इतना सुंदर था और बार बार मुझे ऐसा बोल रहा है। वो अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अब वो दिन आ जाता है कि उनकी अवस्था बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है और वो परिक्रमा पे नहीं जा पाते। तो लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं परिक्रमा में नहीं जा पाता तो मेरा ये खुद का संकल्प है कि मैं जब तक परिक्रमा पे नहीं जाऊंगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब मैं परिक्रमा पे नहीं जा रहा हूं तो मैं अन्न जल क्यों ग्रहण करूं। वो अन्न जल सब त्याग देते हैं और परिक्रमा पे नहीं जा पाते तो खाना भी नहीं। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। लेकिन भगवान व्याकुल हो उठते हैं कि उनके भक्त ने एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कुछ नहीं खाया। भगवान एक बालक के रूप में उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गोवर्धन की एक शिला यहीं पे लाकर स्थित कर देता हूँ और इसमें अपने चरणों के निशान, गाय के निशान, अपनी बंसी के निशान, गाय के खुर के निशान स्थापित कर देता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो यहाँ की चार परिक्रमा कर लेगा उसको गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलेगा। लेकिन संत अपने लिए कभी नहीं जीते,
उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप कृपया कर मुझे से मेरी सेवा से खुश हो तो मुझे एक वरदान दीजिए। संत ने कहा, केवल मैं ही नहीं, श्रीधाम वृंदावन में आकर जो इस मंदिर की चार परिक्रमा कर लेंगे उनको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। प्रभु ऐसा करके ऐसा आशीर्वाद दो। और भगवान तो अपने भक्त के वश में होते हैं, कहते नहीं है भगत के वश में है भगवान। भगवान ने उस संत को आशीर्वाद दिया और तभी से ये राधा दामोदर का मंदिर प्रसिद्ध है। जो लोग बहुत ही वृद्ध अवस्था में हो गए हैं, जिनसे गोवर्धन की, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं होती है, वो राधा दामोदर के मंदिर में अवश्य जाइए और यहाँ की चार परिक्रमा अवश्य कीजिए। मेरे साथ भी आपने मानसिक परिक्रमा करी होगी, आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। और कुछ देर मंदिर प्रांगण में अवश्य रहिए। आप देखिए, मंदिर बंद हो गए तब भी मैं मंदिर प्रांगण में हूँ। और चलिए अब मैं आपको मंदिर के बाहर लेके चलती हूँ। अगर आप कार्तिक में जा रहे हैं तो दीप दान करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट में नीचे जाके राधे राधे अवश्य लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना। मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण।